हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ चैप्टर 5। डज इट लुक द सेम। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में कौन सा शेप है वो मिरर हाउस में डिवाइड होता है वो टॉपिक लर्न किया था, आज आगे लर्न करेंगे मिरर गेम्स। 1, हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ डॉग। यहाँ पे डॉग का एक पिक्चर दिया है। यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन दी है उसके ऊपर मिरर है वो रखना है। देन द पार्ट ऑफ द डॉग टू द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर। बच्चों, आप यहाँ पे मिरर रखोगे तब क्या होगा, ये राइट साइड का जो पार्ट है वो हिडन हो जाएगा, यानी कि वो नहीं दिखाई देगा। वॉट यू विल सी इज लाइक ए। आपको कैसा दिखेगा वो, यहाँ पे देखो इमेज ए में दिया है वैसा दिखेगा। देखो इतना ही पोर्शन है वो यहाँ पे है, बाद में आप मिरर रख दोगे तो ये मिरर इमेज हो जाएगी उसकी और वो ऐसा दिखेगा, यानी कि ये राइट साइड वाला जो पार्ट है वो हिडन हो जाएगा। लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स। यहाँ पे देखो वाइट बॉक्स में फिगर दी है, उससे देखना है। ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन्स विल यू कीप द मिरर सो दैट यू गेट शेप बी। यहाँ पे देखो कौन सी डॉटेड लाइन पे आप मिरर रखोगे तब आपको ये शेप बी, यानी कि ऐसा शेप है वो दिखेगा। एक यहाँ पे डॉटेड लाइन्स दी है और एक ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन्स दी है। अब आप वर्टिकल डॉटेड लाइन्स पे मिरर रखोगे तो वैसा इमेज दिखेगा, या हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन्स है वहाँ पे मिरर रखोगे तो वैसा इमेज दिखेगा। तो देखो बच्चों, कहाँ पे रखोगे आप, पहले ही वर्टिकल लाइन में चेक कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आप मिरर रखोगे ऐसे, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, देखो ऐसे है पूरा का पूरा, और मिरर इमेज है वो इस साइड आएगी, यानी कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे मिरर रखोगे तब आपको ये शेप बी है वैसा इमेज दिखेगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी प्लेस द मिरर ऑन द वर्टिकल लाइंस सो दैट वी गेट शेप बी। Also tell which part of the picture will be hidden when we keep the mirror on the dotted line। हमें यह भी बताना है कि कौन सा पार्ट है वो हिडन हो जाएगा जब हम मिरर है वो डोटेड लाइन के ऊपर प्लेस करेंगे तब। अब बच्चों, यहाँ पे डोटेड लाइन के ऊपर हम मिरर ऐसे प्लेस करेंगे, ये पार्ट है वो दिखेगा, राइट साइड का पार्ट है वो दिखेगा नहीं। तो आंसर क्या आएगा, द पार्ट ऑफ द पिक्चर विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ द डोटेड लाइन विल बी हिडन वेन मिरर इज केप्ड ऑन द डोटेड लाइन। नेक्स्ट, नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। क्या करना है बच्चों आपको, ये जो व्हाइट बॉक्स दिए है उसमें जो शेप्स दिए है उसमें आप कहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तब आपको ये जो सामने वाले ऑप्शंस में जो शेप ड्रॉ करके दिया है वो मिलेगा। पहले ये वाइट बॉक्स से देखो, यहाँ पे ऐसे इमेज दिया है और हमें कैसा इमेज चाहिए, ये जो सी शेप में दिया है वैसा इमेज चाहिए। तो अब कहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तब हमें पता चलेगा, देखो यहाँ पे ये पोर्शन है, यहाँ पे भी है, बाद में यहाँ पे यहाँ तक, यानी कि आधा है वो रेक्टेंगल का पोर्शन लिया है, यानी कि इतना, उसके बाद में यहाँ पे ये इतना पोर्शन लिया है और ये इतना पोर्शन, यानी कि हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तब जाके हमें शेप सी है वो मिलेगा। हम ये लाइन के ऊपर मिरर रखेंगे तब हमें ये जो शेप सी में दिया है वैसा इमेज दिखेगा। नेक्स्ट, ये व्हाइट बॉक्स में जो शेप दिया है उसे देखना है और
हमें कैसा पिक्चर चाहिए, ऐसा पिक्चर चाहिए। तो अब हम कहाँ पे मिरर रखेंगे तब हमें ऐसा पिक्चर मिलेगा। तो यहाँ भी, यहाँ से देखो, ये पोर्शन तो पूरा का पूरा इतना है ही। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा का थोड़ा सा है, यानी कि ये वाला, और बाद में यहाँ से भी थोड़ा सा, यानी कि इतना। और सामने देखो, ये पार्ट कर दोगे तो उसका सेम टू सेम ही पोर्शन यहाँ पे दिया है। इसीलिए अब हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। बच्चों अब ये लाइन के ऊपर आप मिरर प्लेस करोगे तो जो शेप डी है वैसा दिखेगा। नेक्स्ट, ये वाइट बॉक्स में फिगर है, इसे देखना है। और हमें कैसी इमेज चाहिए, ऐसी इमेज है वो चाहिए। अब हम इसमें कहाँ पे मिरर पुट करेंगे तब हमें ऐसी इमेज मिलेगी। तो देखो बच्चों, ये वाला पोर्शन इतना है, वो यहाँ पे है ही इतना। उसके बाद में लाइन, यानी कि ये वाली लाइन। उसके बाद में देखो, ये इतना सा पोर्शन, ऊपर का पोर्शन देखो, यानी कि ये इतना वाला। अब हम यहाँ पे ऐसे लाइन है वो ड्रॉ करेंगे तब हमें ऐसा है वो मिरर इमेज मिलेगा। बच्चों आप यहाँ पे मिरर है वो रखोगे तब जाके आपको ऐसी इमेज है वो दिखाई देगी। लास्ट यहाँ पे देखो, ये फिगर दिया है। अब हमें मिरर इमेज करनी है, यानी कि ऐसा शेप दिखाई देना चाहिए। तो अब हम कहाँ पे मिरर रखेंगे, तो देखो बच्चों, ये वाली साइड है वो यहाँ पे है। बाद में यहाँ से ये आधा पोर्शन है, ये वाला आधा पोर्शन है। बाद में यहाँ पे भी ये आधा पोर्शन है, यानी कि यहाँ पे ऐसे आप डॉटेड लाइन है वो ड्रॉ करोगे, लाइन है वो ड्रॉ करोगे तब जाके आपको ऐसा इमेज मिलेगा। बच्चों आप ये लाइन के ऊपर मिरर रखोगे तब आपको ऐसा इमेज है वो दिखेगा। थैंक यू।